नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के अंदर साइकोलॉजी के हस्तलिखित प्रश्न पढ़ेंगे। और आप साइकोलॉजी के हस्तलिखित नोट्स चाहते हैं, ये जो प्रश्न लिखे हुए हैं ये अधिगम टॉपिक के रहेंगे। लेकिन आपको तीन टॉपिक का मैं करवाऊंगा, अधिगम का, बुद्धि का और बाल मनोविज्ञान का। और उसके साथ साथ आप तीनों टॉपिक के हस्तलिखित संपूर्ण नोट्स पाना चाहते हैं, संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स साइकोलॉजी के पाना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ORJAT नाम से वेबसाइट है, ORJAT.com, उस पर मिल जाएगा। और ORJAT नाम से टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ पर लिंक भी भेजा हुआ है, आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है दोनों का, वेबसाइट का और टेलीग्राम का। अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ये प्रश्न आपका L1+L2 दोनों के लिए अवेलेबल रहेंगे। इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न होंगे आपके साइकोलॉजी के अधिकम टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं इसके अंदर सीधा प्रश्न पढ़ूंगा, सीधा आंसर पर टिक करूंगा, ठीक है, आप देखते रहना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी PDF भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टेलीग्राम का, वहां पे मिल जाएगी। देखिएगा, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आ जाना क्रिया कहलाता है, इसके अंदर सहज क्रिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिकम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में कठिनाई उत्पन्न कर तो वह कहलाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण। तीसरा प्रश्न कहता है कि सिद्धांत में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया गया है, बिल्कुल, इसके अंदर भी ए आंसर सही हो जाएगा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, चौथा, छोटे छोटे बालक सीखते हैं, ए प्रश्न सही हो जाएगा, गामक अधिगम से, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, व्यवहारवाद से व्यवहारवाद के जन्मदाता है, इसके अंदर ए ऑप्शन वाटसन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फादर ऑफ एंडोडिडिकेशन माने जाते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पावलोव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संकेत अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पावलोव के सस्तरीय अनुबंधन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुनाबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट प्रश्न, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर, अनुबंधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट, परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सीखना विकास की प्रक्रिया के कथन किसका है, बी ऑप्शन राइट, वुडवर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर, ए स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविकता उत्तेजक के समय समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर, संबंध प्रतिक्रिया या अनुकूलित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, सीखने अधिगम की विशेषता है, डी ऑप्शन राइट, उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसके अंदर सीखना उद्देश्यपूर्ण है, बी ऑप्शन सीखना परिवर्तन है, सीखना सर्वभौतिक है, सर्वभौमिक है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गेस्टलवादियों ने किस पर विशेष बल दिया था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 15 नंबर, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है, बिल्कुल बी ऑप्शन, संग्रम या पूर्णाकार। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए, सी ऑप्शन, सरल से कठिन। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है, ए ऑप्शन राइट, समान परिस्थितियों में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है, सी टेट के अंदर आया हुआ प्रश्न है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन छोटी की घंटी की आवाज के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है, ए ऑप्शन अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उद्दीप्त अनुक्रिया के मध्य सहचार्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं, ए ऑप्शन अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है, सी ऑप्शन अभ्यास का नियम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है, इसके अंदर नहीं का बोला है,
बिल्कुल पहला ऑप्शन, इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखना केवल विद्यालय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाते हैं या नहीं अपनाएंगे? सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रलोभन का नियम। बिल्कुल प्रलोभन का नियम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सी एच जड़ ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बी ऑप्शन राइट, सामान्यीकरण का सिद्धांत। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, कोहलर ने सुल्तान के साथ किए अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर किए? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, टेनरिफ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन अनुबंध के सिद्धांत को कहा जाता है? सी ऑप्शन राइट, एस टाइप अनुबंधन। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबर्ट गेन के द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है? डी ऑप्शन राइट, श्रृंखला अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही ऊपर का चयन कीजिए। बिल्कुल सूची एक और सूची दो, सूची एक और सूची दो क्या कहता है? थॉर्नडाइक अनुकूलित अनुक्रिया, पावलोव पुनर्बलन के सिद्धांत, क्लार्क हल अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर। बिल्कुल इसके अंदर आपका सही आंसर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। बिल्कुल इसके अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, पहले के साथ डी थाइडार्क उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और ए सेकंड के साथ ए हो जाएगा, पावलोव के साथ अनुकूलित अनुक्रिया हो जाएगी, और तीसरे के साथ बी हो जाएगा। बिल्कुल क्लार्क हल के अनुसार पुनर्बलन का सिद्धांत है, और चौथे के साथ सी हो जाएगा। बिल्कुल कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गुत्री द्वारा किए गए सिद्धांत में के एक बार प्रस्तुत होने पर घटिए उसी समूह की के पुनः प्रस्तुत होने पर मूल ही व्यवहार में परिलक्षित होता है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उद्दीप्त अनुक्रिया, उद्दीप्त अनुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था, गुरु ने खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा, आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कर दी गई, अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लग गया, ये प्रयोग उदाहरण है? बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन ह सिद्धांत के प्रदाता है? ए ऑप्शन हल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना या अधिगम कहते हैं? कथन है ए गेट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधिगम आवेद ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करता, कथन है बी ऑप्शन क्रो एक क्रो। बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है? ए शिक्षण विद्या। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयोग व अनुप्रयोग के अंग है? ए अभ्यास के नियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो वह है? बी ऑप्शन सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? सी ऑप्शन हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किस से संबंधित है? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों ने यह आदत बना ली कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से संबंधित है? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से सही मिलान नहीं है, व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी, फैकल्टी मनोविज्ञान बुल्प एवं रीड, और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान थॉर्नडाइक एवं अन्य, पुनर्बलन हल एवं स्किनर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इस गलत है,
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार थॉर्नडाइक अवन्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से सही मिलान नहीं है, बिल्कुल अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, ये सब पुल पे रीड है। दूसरा ऑप्शन है दृष्टि रूज का सिद्धांत, वेदोमर एवं कोलर, सी ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक अवन्य, और डी ऑप्शन है पुनर्बलन सिद्धांत, हल एवं स्किनर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, बुल्प एवं रीड। नेक्स्ट प्रश्न, परिकल्पनाओं को निर्माण अधिगम का क्षेत्र जिससे संबंधित है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संज्ञात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक के अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, सी ऑप्शन राइट, हल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है, डी ऑप्शन राइट, सबलीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, समस्या के उद्दानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूज का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अभिक्रिया अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिया प्रस्तुत अनुकलन। नेक्स्ट प्रश्न, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को से भी जाना जाता है, खालिस्तान से भी जाना जाता है, अवलोकन अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बी एफ पी ई समीकरण जिसके द्वारा दिया गया वह है, बी लेविन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसके अंदर सॉरी 50 प्रश्नों की बात की थी आपके साथ, 50 प्रश्न हो चुके हैं, और अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, वो पढ़ेंगे आपका बुद्धि के लिए और बाल मनोविज्ञान के। तो ये 50 प्रश्नों की पीडीएफ पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ORJAT नाम से टेलीग्राम है, उस पर जुड़ जाइए, ORJAT नाम से टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी, और साइकोलॉजी के हस्तलिखित नोट्स भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे, उनके लिए ORJAT.com वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।